दोस्तों, यहाँ पर जूसी, बहुत ही टेम्पटेटिंग, मज़ेदार, टेस्टी, डिलीशियस बीफ कबाब रेडी हैं सेक पर जो बनाए जाते हैं। इनका जायका बहुत ज़बरदस्त है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और बनाइए आज की रेसिपी सेक कबाब। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो तकरीमा, और इसमें जो है 20% तक फैट है, लेकिन हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए होगी, इसलिए हम यहाँ पर बटर का भी यूज़ करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर 3 इंच तक का जिंजर का पीस ले लिया है, और इसी तरह से 6 से 7 अदद इसके गार्लिक के क्लूव ले लिए। इसको पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा मोटा मोटा पीसेंगे। साथ में हमने यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, ये सरैनो पेपर हैं, बहुत तेज़ नहीं होती हैं, आप चाहें तो छोटी वाली भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 अदद अनियन ली है, यानी कि प्याज, और ये वेट में मेरे ख्याल से 200 ग्राम है, तो इसको हमें जो है ग्रेट करना है और उसको स्क्वीज करके उसका सारा पानी निकाल लेना है। तो 1 टीस्पून हम यहाँ पर जीरा ले रहे हैं। कुछ दाने हमने यहाँ पर कबाब चीनी के लिए हैं। 2 टीस्पून हम यहाँ पर धनिया लेंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पर रेड चिल्ली ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पीपरी, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है, इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इस सारे मसाले को मैं पाउडर फॉर्म में ले आती हूँ, और धनिया को थोड़ा सा हम क्रैक कर लेंगे, इसको अलग रखेंगे अभी, और बाकी मसाले को एक साथ ही पीस लेते हैं। सारे मसाले को हमने एक जार में डाल लिया, इसी में हम सॉल्ट डाल लेते हैं 1 टीस्पून फिलहाल। तो इसी पॉइंट पे हम 4 से 5 अदद इसमें छोटी इलायची और नटमेग का छोटा सा पीस डाल लेते हैं, साथ में सबको मिक्स करके अच्छे से पीस लेते हैं। तो हम मसाला जो हमने पीस लिया है वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं इसमें खुशबू वाला। तो धनिया भी हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया, इसको भी इसी मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन, हरी मिर्चों को पीस के थोड़ा मोटा मोटा रखा है, वो भी ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं यहीं पर, और सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और प्याज भी इसी में ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून से भी कम खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, वो डाल लिया है, और इसी में जो है 1/2 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसी जगह पर। 1 टीस्पून यहाँ पर रोस्ट किया हुआ ज़ीरा है, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्याज हमने रेडी कर ली है, इस तरह से बिल्कुल बारीक, देखिए इसको चॉपर में आप डाल के अच्छे से धीमे धीमे, यानी कि पल्स मोड पर रख के इसको चलाइए, तो इस तरह से हो जाएगी, और उसके बाद इसको स्क्वीज करके इसका सारा पानी निकाल दीजिए। बस को मिक्स कर लेते हैं, और मैं लेमन का थोड़ा सा जूस डालूंगी, 1/2 लेमन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो धनिया को बारीक बारीक काट के इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बारीक हो गया है, इसको ऐड करके अब अच्छे से हमें जो है कीमे को नीट करना है। कीमा क्योंकि मशीन वाला है, ऑलरेडी काफ़ी बारीक किया हुआ है, लेकिन इसको डालने के बाद हम एक मरतबा अच्छे से नीट कर लेते हैं। यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बटर का करीब 2 टेबल स्पून में बटर यूज कर रही हूँ, जो उसके साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं, और 10 से 30 मिनट के लिए हम इसको अंदर रख देंगे फ्रिज में। तो हमने यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से इसको गूंद लिया है, सारे मसाले खूब अच्छे से मिल गए हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये इस तरह से है बिल्कुल, और बेहतरीन हो रहा है ये। तो ये टूटेंगे नहीं कबाब सीक के ऊपर, चाहे आप सीक में बनाएं या वैसे ही बनाएं। ये देखिए काफ़ी बारीक कीमा है, और सारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें मिल गए हैं। तो बस मिलते हैं 30 मिनट के बाद। दोस्तों, 30 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं इसको रखे हुए फ्रिज में, तो हमने अब वहाँ से निकाल लिया है। तो चलें, अब देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर, और इसी मकाम पर अब आप चाहें तो इसमें स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटी सी सिल्वर फॉइल की कटोरी ऐसी जो बनाई, उसको बीच में गड्ढा बना के थोड़ा सा पिट बना के रख देते हैं। तो इस तरह से इस पर रखते हैं चारकोल, कुछ ड्रॉप हम इसमें बटर के डाल के इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। इसको निकाल लेते हैं, काफ़ी इसमें फ्लेवर आ गया है।
दोस्तों हमारे पास देखिए इस तरह की सीख है ये, जिसपे कबाब बनाए जाते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप स्कीवर भी ले सकते हैं, स्कीवर बैम्बो वाली। आप इससे जो है तीन को अगर इस तरह से जोड़ेंगे थोड़ा सा नीचे इधर करके, तब आप इसका एक अच्छा सा स्टिक बना सकते हैं। और मैंने जो है इस तरह से बना के रखी है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इस तरह से सिल्वर फॉइल लगा के, आप भी सिल्वर फॉइल से लगा सकते हैं उसको बना सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की है तो उस पर आप लगा के सिर्फ उतारते जाइए कबाबों को और प्लेट में लगाते जाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर। तो मैंने फिर से एक मरतबा ग्लव्स पहन लिया है। यहाँ पर हम एक बड़ा सा, इतना बड़ा करीब जैसे लोई लेते हैं रोटी बनाने के लिए, उस तरह से लेंगे, पेमे का बोल बनाएंगे और मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल के, क्योंकि मुझे इस पे लगा के सेकना नहीं है, मैं इससे उतार लूँगी और पैन में लगाऊंगी। तो इसको जो है फिलहाल इस तरह से लगाते जाना है। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और हल्के हाथों से इस तरह से, ये देखिए कबाब को निकाल लिया और इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए बस इस तरह से हम और बना लेते हैं। तो देखिए इतने कबाब हमने इस तरह से बना लिए, इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ पर एक पैन रख लिया है और उसमें जो है ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, और मैंने एक चम्मच इसमें बटर भी डाला है। तो बस कबाब रखना हम इसमें शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने हीट को यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है, हाई नहीं है और लो भी नहीं है, क्योंकि लो में अगर आप करेंगे तो बहुत धीमे धीमे पकेंगे और फिर इनके टूटने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से आप बनाइएगा, लेकिन ये पक रहे हैं अच्छे से और इनको 2 मिनट के बाद मैं पलटूँगी। तो ये मतलब मीडियम हीट पर ही आपको पकाना है, हाई और मीडियम पर कर। आप थोड़ी थोड़ी देर में चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई कर लें फिर मीडियम कर लें। दूसरा बैच भी हमारा रेडी है, इसको भी निकाल लेते हैं और उसके साथ ही एक अच्छी सी सैलेड बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कबाब कितने जूसी और ज़बरदस्त बने हैं, इनका कलर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको इस तरह से एक उठाकर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। आप बिल्कुल मेरी तरह से बनाइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने पेज पे शेयर कीजिए, टैग कीजिए मेरे पेज के ऊपर। और यहाँ तक अगर आपने मेरा चैनल देख लिया है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्याज डाल लेते हैं, लच्छे वाले। इसमें डालते हैं कुछ टमाटर इस तरह से,
थोड़ा सा धनिया, काली मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर स्क्वीज करेंगे हाफ लेमन। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, चाहे हाथ से भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, बहुत मजेदार लगती है सैलेड उससे। सो यहाँ पर हम जो है रखते हैं प्याज और टमाटर वाली सैलेड इस तरह से, क्योंकि ये सैलेड जबरदस्त लगती है इसके साथ खाने में। आप चाहें तो रोल बनाकर खाएं पराठे के साथ, या ऐसे ही खाएं, ये आपकी चॉइस है। हम आपको कबाब उठाकर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, इतना सॉफ्ट जूसी कबाब है, तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जबरदस्त बेहतरीन। तो बस आप भी बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।